सेवन। अच्छा, से 5 और 6 हमने बात की थी स्पेसिफिक अलाउंस और जनरल अलाउंस की ना। अच्छा, यहाँ पर एक नया पॉइंट है इसमें, 7 में चेंज है। किसमें क्या, यू हैव गिवन द फॉलोइंग डेटा, एज्ड एनालिसिस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। एज्ड एनालिसिस, या इसको एजिंग एनालिसिस भी कहते हैं, सही। अच्छा, ये क्या होता है ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको आइडिया देता हूँ। पहले ये टॉपिक FA1 में था, अब खत्म हो गया, तो वहां पे ये हम टेबल बनाते भी एजिंग। हाँ, वो पुराने केस में बुक्स में है, अब नए सिलेबस में नहीं है। एजिंग एनालिसिस या एज एनालिसिस क्या होता है कि इसमें हम अपने जो रिसीवेबल्स होते हैं ना, उनको एज वाइज डिवाइड करते, किन कस्टमर्स को सेल किए हुए कितना टाइम गुजर गया। जैसे देखिए, यहाँ पे इसने टोटल रिसीवेबल आपको दिए हुए 66,261, ये तो है हमारे टोटल रिसीवेबल्स। तो ऊपर इसने इसका ब्रेकअप जो दिया है, ये किसने दिया था, देखिए, 0 to 30 days, 31 to 60 days और ओवर 60 days, ठीक। इसको इसने एज वाइज एनालिसिस किया है। अब इसका मतलब क्या होगा, 0 to 30 days के ये वो कस्टमर्स हैं जिन्हें सेल किए हुए 0 to 30 days हो चुके हैं। 31 to 60 days के ये वो कस्टमर्स है जिन्हें सेल किए हुए 31 to 60 days हो चुके हैं, और ओवर 60 days ये वो कस्टमर्स है जिन्हें सेल किए हुए मोर देन 60 days हो चुके हैं और अभी तक पैसे नहीं मिले थे। अच्छा, इन तीनों का आप टोटल करेंगे अगर, तो ये बनेगा 66,261, सही। अच्छा, अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें जो हम डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए एक परसेंटेज गिवन होती थी ना, रिसीवेबल्स का 2%, 3% जो भी है। तब ये बताएं मुझे कि अब जैसे यहाँ पर ये टोटल रिसीवेबल दिए हैं, टोटल रिसीवेबल कितने हैं, 66,261 है। अब हम इसमें से डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करेंगे, तो नॉर्मली एक परसेंटेज गिवन होती है, 2%, 3%, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो अब वो एक बेहतर अप्रोच है या ये एक बेहतर अप्रोच है एजिंग एनालिसिस। हाँ, देखें, अब जो ये 66,261 टोटल रिसीवेबल हैं, इसमें वो कस्टमर्स भी इंक्लूड हैं जिन्हें सेल किए हुए कुछ दिन गुजरे हैं, इसमें वो कस्टमर्स भी होंगे जिन्हें सेल किए हुए कुछ मंथ्स हो गए, 2-3 मंथ्स हो गए, और वो कस्टमर्स भी होंगे जिन्हें सेल किए हुए कई मंथ्स गुजर चुके, 8-10 महीने, 12 महीने, और उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं की, ठीक। तो क्या सब पर 1% लगाना बेहतर है, क्योंकि देखिए, आप फर्ज करें इसमें कस्टमर है जिसे सेल किए हुए आपको 11 मंथ्स हो गए और उसने अभी तक पेमेंट नहीं की, तो उससे पैसे मिलने के चांसेस कम होंगे, ज्यादा होंगे, कम हो जाएंगे। एक कस्टमर है जिसे सेल किए हुए 5-6 मंथ हुए, तो उससे मिलने के चांसेस और कम होने के चांसेस कम होंगे ना, मिलने के ज्यादा। और एक कस्टमर है जिसे सेल किए हुए सिर्फ 1 मंथ हुआ है, तो ज्यादा चांस होंगे मिलने के और बैड डेट के चांस कम हो जाएंगे। तो बजाय इसके कि हम टोटल पे एक सिंगल परसेंटेज लगाएं, बेहतर अप्रोच क्या है कि आप इस टोटल को आप ब्रेक कर लें एज वाइज, एक एजिंग एनालिसिस बना लें, एज वाइज इसको स्प्लिट कर लें और फिर एज वाइज परसेंटेजेस अप्लाई करें, डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करें, तो वो एक बेहतर अप्रोच होगी, सही, राइट। तब इसे यहाँ पर हमें एजिंग एनालिसिस तो बना के दे दिया, ये ऊपर जो ये अमाउंट है ना, 42,018 और 4,000, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल 66,261 बनेगी, सही। और फिर एज वाइज इसने हमें परसेंटेजेस भी दिए हैं यहाँ, पहले दीज बैलेंस, अच्छा पहले तो ये दिया, दीज बैलेंस इंक्लूड अ बैलेंस ऑफ 900 विच हैज बीन आउटस्टैंडिंग फॉर 8 मंथ्स, ठीक है। हाँ, दिस कस्टमर हैज रिसेंटली सीज ट्रेडिंग एंड द डेट विल नॉट बी रिकवर्ड, ये तो हमारे बैड डेट्स हो जाएंगे, ये तो राइट ऑफ हो गए। उसके बाद पॉलिसीज टू प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अ पॉलिसी क्या है, 0 to 30 days 1%, 31 to 60 days 25%, ओवर 60 days 75। तो ये एक बेहतर अप्रोच है बजाय इसके एक सिंगल परसेंटेज अप्लाई कर, सही। अच्छा, इसके बाद फिर अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दे दिया है, बाकी रिक्वायरमेंट वही है सारी, एडेट्स एक्सपेंस कैलकुलेट करना होंगे और नेट रिसीवेबल्स कैलकुलेट करने हैं, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से वर्किंग के थ्रू, ठीक।
अच्छा, पहले तो हम ये डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं ना, एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स। अब इसमें इसी तरह से एज वाइज हम परसेंटेजेस अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे। पहले तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी, एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स। अच्छा, पहले हम लिख लेते हैं 0 to 30 days रिसीवेबल कितने थे, 42,700। डाउटफुल कितने, 1%। 1% हमने कैलकुलेट कर लिया, 427 है। अच्छा, एक चीज और है, ये जो बैड डेट्स हैं हमारे 900 के, पहले तो हम ये माइनस करते हैं ना, रिसीवेबल से माइनस करते हैं, उसके बाद डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट होते हैं। ऐसे ही है? पहले हम क्या करते हैं, टोटल रिसीवेबल में से जो बैड डेट्स होते हैं 900, ये माइनस होंगे। अगर ये एक सिंगल परसेंटेज होती तो हम क्या करते हैं, पहले ये 900 माइनस करते, ये 66,261 से 900 माइनस होते पहले, उसके बाद जो रिसीवेबल बचते उससे परसेंटेज निकाल लेते। तो यहाँ भी यही होना चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं, ये ऊपर इसने यहाँ पर ये जो एजिंग एनालिसिस दिया है, तो यहाँ पे हमें किसी एक में से पहले ये 900 माइनस करना होंगे, उसके बाद डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट होंगे ना। तो अब ये किस में से माइनस होंगे, 0 to 30 days, 31 to 60 days, या ओवर 60 days। ओवर 60 से माइनस करेंगे क्यों? नहीं, मुश्किल नहीं, क्योंकि ये इसको टाइम कितना हो गया, 8 months हो गया ना। ठीक, तो 8 months हो गए, तो इसलिए इसे हम माइनस करेंगे ओवर 60 डेज में से, फिर उस पर परसेंटेज अप्लाई कर। सही। अच्छा, तो पहले 0, हाँ नहीं, क्योंकि टोटल में उस वक्त वो तो बैलेंस शीट बनाते हुए करेंगे ना टोटल में, लेकिन अभी जो बैड डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमें पहले 4,836 में से माइनस करना। ठीक है, बाकी जब बैलेंस शीट में हम रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे तो हम फिर टोटल से माइनस करके ही करेंगे। ठीक है, वो टोटल से। इसके बाद 0 to 31 to 60 days, 25% हो गए, और अब ओवर 60 डेज में से पहले बैड डेट्स माइनस हो जाएंगे 900 के, और उसके बाद इसका 75% हम कैलकुलेट कर ले। ओके, अब इन तीनों का ऐड कर लेते हैं, 427, 4,681, 2,925, 52, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएंगे एस्टिमेटेड डाउटफुल टैक्स आ गए। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर लिया, हाँ परसेंटेज निकाल के हमने इन तीनों को ऐड कर लिया, ये हमारे पास आ गया एस्टिमेटेड डाउटफुल टैक्स आ गए टोटल। ठीक है, वो भी बाद में आएगा। हाँ, अब पहले हम क्या करते थे, रिसीवेबल पे डायरेक्ट परसेंटेज लगा के एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स निकालते थे ना। अब हमने क्या कि एज वाइज पहले डाउटफुल डेट कैलकुलेट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इसमें से एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स में से अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे, जिसमें पहले करते हैं, जो कि कितना दिया हुआ है, 8,200 माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा डिक्रीज इन अलाउंस। अब डिक्रीज इन अलाउंस कितना आ गया, 1। राइट, अब हम बाकी वही अपनी कैलकुलेशन करके प्रॉफिट एक्सपेंस कैलकुलेट करें, इधर आ जाते हैं। अच्छा, राइट ऑफ कितने हो रहे हैं, राइट ऑफ कितने किए थे, 900, 900 राइट ऑफ हो गए। अच्छा, रिकवरी इसमें नहीं दी हुई, इंक्रीज इन अलाउंस नहीं है, ये हमने कैलकुलेट किया, डिक्रीज इन अलाउंस आ रहा है ना यहाँ पर 140, डिक्रीज इन अलाउंस है तो -140। 900 में से 140 माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 760। ये हमारी हो जाएंगे करंट ईयर के बैड डेट एक्सपेंस, तो हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सही। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट पे आते हैं, बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करेंगे रिसीवेबल्स, टोटल रिसीवेबल कितने हैं, 66,261, लेकिन 900 हमने राइट ऑफ किए तो ये माइनस हो जाएंगे टोटल में से, 66,261 माइनस 900 कितने आ रहे हैं, बच रहे हैं? माइनस करें 65,361। अच्छा, इसके बाद इसमें से एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स माइनस हो जाएंगे, तो एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स कितने हैं, कैलकुलेट कर लिए 8,060, 8,060,
8,060 माइनस करते हैं तो नेट रिसीवेबल आ जाएंगे 5,57,301। ये हमारे पास आ गया नेट रिसीवेबल। ओके, इसको बैक कर देता हूँ, कॉपी कर ले। पहले ये वर्किंग कॉपी कर लें, इसके बाद पे नोट। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो कभी ये 8 में सिर्फ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 4 इयर्स का डेटा दिया हुआ है, 4 इयर्स का डेटा है, और रिक्वायरमेंट्स वही है आपको, बैडेड एक्सपेंस कैलकुलेट करने और नेट रिसीवेबल्स कैलकुलेट कर। ठीक, 2 इयर्स में करवा देता हूँ, बाकी 2 इयर्स आप लोग होमवर्क में कर लीजिए। अच्छा, पहले तो हम वही बैडेड एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर नेट रिसीवेबल्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक। अच्छा, इसमें ये दिया हुआ है बैलेंस एट बिगनिंग, आगे लिए असल में बैलेंस किसका है, रिसीवेबल। तो उसके स्टार्ट में लिख लें या आगे के लिख लें, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन आ रहा है बाद में कि बैलेंस किस चीज का ना। तो अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस, जो पहले साल है निल। अच्छा, बाकी ईयर्स में क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। हाँ, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये नहीं, लेकिन जो 99 का ओपनिंग तो निल है, आप क्लोजिंग कैलकुलेट कर सकते हैं ना, क्रेडिट सेल्स हैं, कलेक्शन है, रिटर्न्स हैं, कॉन्ट्रा है। तो जो 99 का रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 2000 का ओपनिंग हो जाएगा, फिर 2000 का क्लोजिंग 1 का ओपनिंग, 1 का क्लोजिंग 3 का ओपनिंग, ये इस तरह से कैलकुलेट। सही। अच्छा, तो पहले हम अपने बैडेड एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर रिसीवेबल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर डाउटफुल डेट्स, फिर सब चीज। अच्छा, अब इसमें आपके क्या दिए हुए, क्रेडिट सेल्स हैं, कैश कलेक्शन है, सेल्स रिटर्न, कॉन्ट्रा सेटलमेंट, बैड डेट्स, रिटन ऑफ। कंट्रोल अकाउंट बताया था ना जी, बिल्कुल उसी को कहते हैं। एक सप्लायर है, वही आपका कस्टमर है, ठीक है। तब यहाँ पे आ जाए 8 पर। अच्छा, इसमें बैड डेट्स राइट ऑफ कितने हुए हैं, 10,000। अच्छा, बैड डेट्स रिकवर्ड कितने हुए, बैड डेट्स रिकवर्ड कितने, नेल। हमें क्या चाहिए, इंक्रीज इन अलाउंस और डिक्रीज इन अलाउंस। तो इसके लिए पहले हम रिसीवेबल्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स, और उसके बाद फिर इंक्रीज डिक्रीज इन अलाउंस आ जाएंगे। अच्छा, रिसीवेबल जो है हम डायरेक्ट कैलकुलेट टी अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं प्रॉपर, और डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं ना, ऐसे ही कर लेंगे तो फॉर्मेट याद हो गया पूरा। अब इसमें क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस तो नील है, सेल्स कितनी है, 5 लाख। यहाँ मैं लिख लेता हूँ साइड में, जाना रिसीवेबल की कैलकुलेशन। इसके बाद क्रेडिट सेल्स, तो 5 लाख की कैश कलेक्शन 350,000 माइनस कर देंगे, सेल्स रिटर्न 15,000 माइनस, कॉन्ट्रा सेटलमेंट 5,000, ये भी माइनस होगा, और बैड डेट्स रिटन ऑफ 10,000, ये भी माइनस हो जाएगी, और इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, डिफरेंस सम कर लें इसका, 1,20,000 आपके रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिखा, थोड़ा कैलकुलेशन भी करनी होगी या नीचे लिख। अच्छा, ये रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे डाउटफुल और इंक्रीज डिक्रीज इन अलाउंस। तो उसके लिए पहले आपको कैलकुलेट करना होगा एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स ना, एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स। अच्छा, डाउटफुल डेट्स कितने हैं, 5% है, तब 1,20,000 का 5% कितना आएगा, 6,000, 6,000 आ जाएगा। डू गया पैसा, मतलब ये कंफर्म हो कंफर्म हो गया,
जैसे कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, डेथ हो गई, डिसअपीयर हो गया, कंफर्म हो गया आपके। इसके बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें जब माइनस क्या करेंगे, अलाउंस फॉर अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस माइनस हो जाएगा। अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, वो भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है क्योंकि पहला साल है, तो इसमें रिसीवेबल का ओपनिंग भी नहीं ले, तो अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग भी, ये आपके पास आगे इंक्रीज है अलाउंस, इंक्रीज अलाउंस आ गया 6,000। यहाँ ऊपर कर देते हैं, इंक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल कितने हैं, 6,000। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो टोटल आपके बैडेड एक्सपेंस हो जाएंगे 16,000। ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट में हम लेंगे रिसीवेबल्स। रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस हमने कैलकुलेट किया 1,20,000, और इसमें से माइनस करेंगे एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स कितने हैं, 6,000 माइनस करते हैं, नेट रिसीवेबल्स आ जाएंगे 1,14,000। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ, इजी टॉपिक है, तो कॉपी कर लें। हो गया हमारा कौन सा, 1999, पहला साल था 1999, कॉपी कर लें। 2000 कहेंगे, अच्छा 2000 पे आ जाए। ओके, यहाँ पर बैलेंस, तो इसका जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था वो ओपनिंग हो जाएगा ना, जिसके बाद है क्रेडिट सेल्स, कैश कलेक्शन, सेल्स रिटर्न, कॉन्ट्रा सेटलमेंट, बैड डेट्स रिटन ऑफ कितने, 15,000। यहाँ लिख लेते हैं 15,000। उसके बाद बैड डेट्स रिकवर्ड हो रहे हैं, बिल्कुल ये। अच्छा, बैड डेट्स रिकवर कितने हुए, 3,000, माइनस हो जाएंगे 3,000। क्या अब हमें कैलकुलेट करना होंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस। के लिए पहले हम रिसीवेबल कैलकुलेट करते हैं। जब देखिए यहाँ पर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था वो करंट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा, 1,20,000 ओपनिंग बैलेंस। के बाद क्रेडिट सेल्स कितनी है, 6 लाख, और कैश कलेक्शन 4 लाख माइनस करेंगे। के बाद सेल्स रिटर्न 30,000 माइनस, के बाद कॉन्ट्रा सेटलमेंट 10,000 माइनस, एडिट्स रिटर्न ऑफ 15,000 माइनस, और बैड डेट्स रिकवर्ड 3,000 इसमें नहीं आएंगे। रिकवर्ड की एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स रिकवर्ड की कैश डेबिट इररिकवरेबल डेट्स क्रेडिट हो जाते, तो रिसीवेबल में एंट्री नहीं आती है। ठीक, तो रिकवरी की एंट्री रिसीवेबल में नहीं आएगी। अब बैलेंस कितना आएगा, 2,65,000, 2,65,000 रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अच्छा, अब इसमें से डाउटफुल कितने हैं, 5%, इसका 5% कैलकुलेट करें, 5%। जी कैलकुलेट करें कितना आ रहा है, 2,65,000 का 5%, 13,250। इसमें से माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था इस ईयर का ओपनिंग होगा, 6,000 माइनस हो जाएंगे ना, इंक्रीज इन अलाउंस आ जाएगा 7,250 हो गया इंक्रीज इन अलाउंस, ये ऊपर ऐड हो जाएंगे।
इंक्रीज इन अलाउंस कितना है? 7,250। सही। ओके, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, तीनों का सम कर लें, 19,250 आ जाएंगे हमारे बैड डेट्स एक्सपेंस फॉर द ईयर। ठीक है, जिसके बाद आप नेट रिसीवेबल्स कैलकुलेट करेंगे। तो रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 2,65,000। इसे से माइनस करेंगे एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स 13,250। नेट रिसीवेबल्स आ जाएंगे हमारे पास 251,750। ठीक है, ओके, इसको कॉपी कर लें। पहले ये कॉपी कर लें, फिर इसके ऊपर आप चाहे जैसे आ गया, अगर पहले पहले लिख लें ऊपर वाले। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, द एंड्रयू इज प्रिपेयरिंग हिज एनुअल अकाउंट्स एज एट June 9। द बैलेंस ऑन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है 78,635। अच्छा, इंक्लूडेड इन दिस फिगर आर 2,385 ऑफ कस्टमर्स हूज डेट्स आर नाउ डीम्ड टू बी इररिकवरेबल। ये तो बैड डेट्स हो गए। अच्छा, एंड्रू हैज ऑलरेडी रिटन ऑफ 1,2,3,4 ऑफ डेट्स ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, ये इसने ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ किए, और ये 2,385 ईयर एंड पे राइट ऑफ कर रहा है। ठीक है, इसके बाद इन एडिशन एंड्रयू विशेस टू क्रिएट अ स्पेसिफिक अलाउंस ऑफ 3,250 अगेंस्ट सर्टेन कस्टमर्स हू ही नोस टू बी इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी। अच्छा, ये तो हो गया स्पेसिफिक अलाउंस। उसके बाद पास्ट एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट एन एडिशनल अलाउंस ऑफ 3% इज नीडेड ऑन द रिमाइंडर ऑफ द रिसीवेबल्स। ये जनरल अलाउंस हो जाएगा 3%। अच्छा, ओपनिंग अलाउंस फॉर रिसीवेबल दिया हुआ 4,300। ठीक है, देख। अच्छा, पहले हमने बैड डेट्स एक्सपेंस निकालते हैं। राइट ऑफ कितने हो रहे हैं? 2,385। ये वो राइट ऑफ कर रहे हैं ईयर एंड पर, और ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ कितने किए? 1,2,3,4। तो ये दोनों ऐड होके आ जाएंगे ना, ये बैड डेट्स रिटन ऑफ दोनों आ जाएंगे 2,385 प्लस 1,2,3,4। दोनों को ऐड कर लें, टोटल बताएं कितना आ रहा है दोनों का सम। ये तो हो गया बैड डेट्स रिटन ऑफ। अच्छा, रिकवरी इसमें नहीं हो रही, अब हमें चाहिए इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस। अब उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। जब यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल हमें दिए हुए ना, अकाउंट रिसीवेबल कितने? 783,635, 78,635। ठीक है, जब इसने राइट ऑफ कितने किए? 2,385 राइट ऑफ कर रहा है ईयर एंड पर, ये माइनस हो जाएंगे रिटर्न ऑफ। ये रिटर्न ऑफ हो गया ना। अच्छा, ये बताएं, ये तो होगा 2,385, ये तो हम नहीं इसमें से, हाँ माइनस करेंगे, नहीं राइट ऑफ है ना ये तो, मतलब इंक्लूडेड 2,3 माइनस करेंगे ना, हाँ तो माइनस होंगे। अच्छा, ये बताएं, ये जो इसने ऑलरेडी राइट ऑफ किया ड्यूरिंग द ईयर 1,2,3,4, ये इसमें से माइनस होंगे या नहीं होंगे? स्पेसिफिक थोड़ी है, इसकी बात कर रहा हूँ। एंड्रयू हैज रिटन ऑलरेडी रिटन ऑफ 1,2,3,4 ऑफ द डेट्स ड्यूरिंग द ईयर, तो ये माइनस नहीं होंगे क्योंकि ये उसने राइट ऑफ किया ड्यूरिंग द ईयर, और ये जो रिसीवेबल का बैलेंस है ये कब का है? ईयर एंड का बैलेंस है, तो इसमें से ये 1,2,3,4 ऑलरेडी माइनस हो चुके होंगे, इसलिए दोबारा माइनस नहीं होंगे। अच्छा, ये माइनस करते हैं पहले, तो रिसीवेबल कितने रह गए आपके?
76,250 आ गए, जिसके बाद अब अलाउंस कैलकुलेट होगा। पहले इसने स्पेसिफिक अलाउंस दिया हुआ 3,250 पहले से या लॉन्ग उसके अंदर जो जी, भी माइनस प्लस होगा वो हो चुका हो। नहीं इंक्लूडिंग मतलब शामिल है, माइनस करेंगे अब। अच्छा, अब स्पेसिफिक अलाउंस कितना है? 3,250। तो पहले स्पेसिफिक अलाउंस माइनस करते हैं 3,250। तो 73,000 ये तो आ गया हमारे रिमेनिंग रिसीवेबल्स। ठीक है, जनरल अलाउंस कैलकुलेट होगा। जनरल अलाउंस कितना परसेंट है? 3%। 3% 2,190। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ पहले। अच्छा, रिमेनिंग रिसीवेबल्स और ये हमारे जनरल अलाउंस आ गया ना, 2,190। अब हम लिखेंगे यहाँ पर एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स। अब स्पेसिफिक अलाउंस कितने हैं? 3,250। जनरल अलाउंस 2,190। दोनों को ऐड कर लें, एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट आ जाएंगे। टोटल फाइव डबल 5,440। क्या गया? एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट, इसमें से अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस माइनस कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 4,300। तो ये आपके पास माइनस करते हैं, -4,300, तो 1,140। 1,140 आ जाएगा इंक्रीज इन अलाउंस राउंड फॉर जी। इंक्रीज इन अलाउंस कितना आ गया? 1,140। तो ये चार्ज हो जाएंगे, तो ऊपर इंक्रीज इन अलाउंस है 1,140। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 4,750। ये हो जाएंगे हमारे बैड डेट्स, इररिकवरेबल डेट्स फॉर द ईयर। जी अब रिसीवेबल कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब ये बताएं रिसीव बैलेंस शीट में रिसीवेबल का बैलेंस क्या आएगा? 76,250 आ जाएंगे ना, 76,250 रिसीवेबल। 76,250 इसमें से माइनस करेंगे एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स कितने? 5,440। 70,810 आपके पास आएंगे नेट रिसीवेबल। ठीक है, जब इसको कॉपी कर लें।